गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भाई चल रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और पहुंच चुका है बहुत ही रोमांचक मोड़ पर। और अपने अंतिम पड़ाव पर भी भारतीय क्रिकेट टीम जो है हमेशा से कोशिश करती रही है अपने इंडिया का नाम रोशन करने का। और इस बार तो भाई उन्होंने चक दिए हैं फट्टे और हो गई है बल्ले बल्ले, क्योंकि लीग स्टेज में इंडिया ने किया है टॉप, जिसके अकॉर्डिंगली आज इंडिया खेल रहा है नंबर 4 की टीम के साथ, न्यूजीलैंड के साथ होने वाला है पहला सेमीफाइनल। जी हाँ, अब बात यह आती है कि भाई इंडिया में तो जो है क्रिकेट को रिलीजन की तरह पूजा जाता है। बहुत सारे लोग जो दीवाने होते हैं और उन दीवानों में से मैं भी एक रहा हूं। हालांकि मैं क्रेडेंशियल देकर काफी लोगों को लगता नहीं है कि यार राहुल सर क्रिकेट मैच देखते होंगे या इतना कभी उन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़कर मैच वगैरह देखे होंगे। तो भाई उसी का जो है एक अपना इंस्टांस भी आपके शेयर करूंगा और एक इंपॉर्टेंट मैसेज आपको दूंगा। बिकॉज सीए करते वक्त बच्चों के मन में बहुत बार ये डायलमा आ जाता है कि यार मैं पढ़ाई करूं या मैच देखूं, अगर मैच देखूंगा तो क्या मेरी पढ़ाई हर्ट तो नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हर्ट होगी। और साथ में ये लगता है कि नहीं यार ये वाला जो पल चला गया ये वापस नहीं आएगा, काश मैं मैच देख ही लेता हूं, इतना भी कौन से मेरी पढ़ाई में जो है प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मेरा इस बारे में क्या व्यू पॉइंट है और मैंने जब इस चीज को अपनी लाइफ में शेयर किया था तो मैंने किस तरह से इसे टैकल किया था वो आपके साथ जो आइए शेयर करता हूं। सो इट इज द इंस्टांस अराउंड 2004 की बात है, यानी कि 15 साल पहले की। भाई क्लास 12th में था मैं और मार्च 2004 का समय था जब हो रहे थे क्लास 12th के बोर्ड के एग्जाम सीबीएसई के। अब जब छोटे थे 6th 7th या हद से 8th तक तो मम्मी को कहना पड़ता था कि बेटा बैठ के पढ़ लो, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए 9th 10th और उसके बाद 11th 12th तक पहुंचे तो लगा कि अब तो यार खुद ही समझ आ गई है, खुद ही अपना फ्यूचर बनाना है तो खुद ही पढ़ते थे। मतलब पेरेंट्स ऐसे नहीं कहते थे, पेरेंट्स में भी मदर ही अक्सर कहते थे। तो जब 2004 मार्च का समय आया, क्लास प्लस टू बोर्ड के एग्जाम थे, तो उस समय इंडिया पाकिस्तान की भाई वनडे सीरीज चल रही थी। अब इंडिया पाकिस्तान का मतलब है कि एक तरह से पूरे भारत भर में पब्लिक हॉलीडे हो जाना, इस तरह का माहौल होता है। अब बोर्ड के एग्जाम और उसी महीने में जो है चल रहा था इंडिया पाकिस्तान का वनडे इंटरनेशनल सीरीज। अब मेरे से रहा ना जाए, मुझे लगे कि नहीं यार मुझे तो मैच देखना है। अब जैसे ही मैंने मैच ऑन किया तो मेरे मम्मी आए, मम्मी कहते बेटा काफी समय से मैंने तो मैं तो 3-4 साल से पढ़ने के लिए कहा नहीं, लेकिन ये जो तुम कर रहे हो इसके कारण तुम्हारे रिजल्ट पर अगर इफेक्ट आ गया, पेपर अच्छे ना हुए तो क्या होगा? अब नाउ मुझे ये पता था कि यार मेरे लिए वो मैच देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू सी दैट मैच, लेकिन साथ ही आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि मेरी पढ़ाई बिल्कुल अफेक्ट ना हो, मेरा रिजल्ट अफेक्ट ना हो। तो मुझे लगा कि मुझे अगर ये मैच देखना है तो ओनली फॉर दैट मोमेंट मैं उस मैच को देख रहा हूं, और जैसे ही मैच खत्म होगा उसके बाद और उससे पहले मुझे अपनी पढ़ाई को करना है। एंड इवन एक तरह से मोटिवेशन मिलती है कि यार अगर मैं इतना टाइम देख रहा हूं, और वो आपके इंटरेस्ट की चीज है, आपका इंटरेस्ट एरिया, अगर आप उस इंटरेस्ट एरिया को जी रहे हैं तो आपको लगता है कि चलो ये वाली चीज तो मैंने जी ली, नाउ आई शुड फोकस ऑन माई अदर थिंग। तो मैंने डबल मेहनत के साथ जो है पढ़ाई करो। मैंने अपने मदर को सिर्फ इतना बोला कि मम्मी आप सिर्फ मेरे ऊपर इतना विश्वास रखिए कि आपका जो रिजल्ट है रिजल्ट अव्वल दर्जे का ही आएगा, टॉप पे मैं आऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, बट मुझे मैच देखने दीजिए। और भाई उस समय तो टीम में होते थे वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, जहीर खान, ऐसे प्लेयर थे भाई। और वीरेंद्र सहवाग तो मेरे हमेशा फेवरेट रहे, तो मैं मैच मिस नहीं कर सकता था। सो मैंने वो सारे के सारे मैच देखे, लेकिन एट द सेम टाइम आई मेड श्योर कि मैं अपनी पढ़ाई भी जो है और ज्यादा मेहनत से करूं। एंड जब रिजल्ट आया 2 महीने के बाद, देन आई स्कोर 90.2% एंड आई डिड टॉप, मतलब मैंने टॉप किया था अपने स्कूल में भी, फर्स्ट पोजीशन पर था। तो यहां से मैसेज यही देना चाहता हूं यार कि बच्चे जो है इस समय पर ये सोच रहे होंगे कि यार मैच है क्या करें क्या ना करें, तो बात इतनी सी है, अगर क्रिकेट का शौक नहीं है भाई फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो आप जाकर अपनी पढ़ाई कीजिए। लेकिन अगर क्रिकेट का शौक है और चाहते हैं कि मैच देखना है तो मैच देखिए जरूर, लेकिन इस बात को याद रखिए कि मैच के समय के अलावा वो इंस्टाग्राम फेसबुक पर पोस्ट देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं डिटेल्ड आर्टिकल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो काम नहीं करना है बिल्कुल भी। मैच देख लिया उसके बाद और ज्यादा मेहनत के साथ जो है आपको अपनी पढ़ाई करनी है। यही एक छोटा सा मैसेज मैं इस वीडियो में देना चाहता था। एंड यार साथ ही साथ अब इतना जब बात हो ही गई है तो कमेंट सेक्शन में जरा लिखकर बताइए आपको क्या लगता है फाइनल किसके बीच में होने वाला है। मेरे हिसाब से तो भाई आज का मैच जितना चाहिए इंडिया को होगा क्या नहीं पता, एक प्रेडिक्शन लेवल जो है कहते हैं, तो मेरे हिसाब से आज जीतेगा इंडिया और नेक्स्ट सेमीफाइनल में हो सकता है इंग्लैंड जीते, तो भाई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हमारा प्रेडिक्शन है। आप भी अपना प्रेडिक्शन जो है लिखकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि कौन जो है भाई फाइनल में पहुंचने वाला है। एंड चीयर्स टू इंडिया, हमारी सबकी जो बेस्ट विशेज, उम्मीद करता हूं आप सब लोगों के भी भारतीय टीम के साथ हैं और यही चाहेंगे कि 1983 और 2011 के बाद 2019 में भी जो है हमारा जो है परचम लहराएगा। थैंक यू गाइज।